गुड इवनिंग, मैं शेफ कालू सिंह गुजर आज और एक हम नया वीडियो लेके आ रहे हैं। नए वीडियो में आज हमने अपना नया प्लान के साथ आए, तो नए प्लान में हमने क्या बनाया है, हल्का फुल्का एक स्टार्टर लेके आ रहे हैं जिसका नाम हमने दिया है फ्राई पापड़। फ्राई से जाएगा, पापड़ से है जो जिसका नाम हमने दिया है पापड़ रोल, पनीर पापड़ रोल जिसका हमने नाम दिया है। तो पनीर पापड़ रोल के लिए आपको बेसिक सी पता है कि हमारे पास पापड़ होना चाहिए और छोटा छोटा इंग्रेडिएंट्स क्या क्या जाएगा मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ, देन आपको वीडियो में भी शेयर कर देता हूँ, शो कर देता हूँ वीडियो में, यानी कि दिखा भी देता हूँ। तो कैसे बनाना है, हमने कैसे उसकी स्टफिंग करेंगे, हम कैसे पापड़ को हमारे हिसाब से रोल करेंगे, तो वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, देन खाने को भी इसी वीडियो में मिलेगा, एंजॉय भी इसी वीडियो में मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा फंडा है, आपको इसी वीडियो को कंटिन्यू देखना है, कंटिन्यू देखने के साथ साथ बनाना है। तो बनाएंगे कैसे, आप वीडियो में देखते रहना और बनाते रहना, तो मैं अभी आपको सारे इंग्रीडियंट शो कर देता हूँ, देन हम बनाएंगे कैसे वो भी मैं आपको कंटिन्यू दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास पापड़ हो गया, और ये इस तरीके से हमारे पास जो पापड़ है, ये जो पैकेट है इस नाम से जो पापड़ है, ऐसे वाले आप पापड़ ले लोगे, जो कि ये मेरे हाथ में भी आपको नज़र आ रहा है, ये पापड़ हो गया हमारा। देन ये स्टफिंग में जो जो इंग्रीडियंट्स आएगा मैं आपको वो बता देता हूँ, ये पनीर हो गया हमारा, ये आलू हो गया, देन ये थोड़ा सा हमने काजू यानी कि ड्राई फ्रूट्स डालेंगे थोड़ा सा, ये हमारा चाट मसाला हो गया, देन ये ग्रीन चिल्ली फाइन सोफ हो गया, ग्रीन कोरिएंडर चिल्ली पाउडर, साल्ट और ये टर्मरिक पाउडर हो गया। तो ये सारे इंग्रीडियंट्स सारे मिक्स करने के बाद देन आप जो स्पाइस और जो साल्ट रहेगा वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, आप कितना साल्ट लेते हो, कितना स्पाइस लेते हो, तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेगा। तो हमने बनाना है, इसके साथ बनाना है। तो जैसे सबसे पहले हम इस पापड़ का मसाला बनाएंगे, यानी कि जो स्टफिंग जाएगी वो बनाएंगे, वो बनाने के बाद देन हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे, यानी कि डायरेक्ट डीप फ्राई करेंगे, हम इसको शैलो फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि पापड़ ऑलरेडी होता है जो अपने आप में रेडी होता है, रेडीमेड होता है, तो उसको हम ज़्यादा सेल और डीप फ्राई पर नहीं जाएंगे, तो हम इसको डायरेक्ट डीप फ्राई करेंगे। अब मसाला हमने कैसे बनाना है उसके लिए आप कंटिन्यू वीडियो देखना। ये आप मैं आपको बता रहा था, यानी कि पनीर पापड़ रोल जो बनाएंगे, यानी कि हम मसाला कैसे बनाएंगे, तो ऐसे हम थोड़ा सा पैन ले लेंगे, पैन में थोड़ा सा ऑयल हो गया और थोड़ा सा बटर हो गया, ये सब डालने के बाद सबसे पहले ये हमारा काजू है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हम इसमें कैसे कर देंगे ताकि थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन आ जाएगा, रोस्टेड हो जाएगा थोड़ा, ये डाला। ये डालने के बाद देन सबसे पहले हमने ये आलू डाला, आलू के बाद देन हमने ये जो पनीर जो ग्रेट करके रखा वो डाला, तो थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम दोनों चीज़ों को, मिक्स करने के साथ साथ देन ये हमारा चिल्ली पाउडर हो गया, चिल्ली पाउडर आप उतना ही यूज करोगे जितना आप स्पाइस लेते हो, देन ये वाइट सॉल्ट, ये हमारा ग्रीन चिल्ली हो गया, देन टर्मरिक पाउडर कलर कॉम्बिनेशन के लिए हम यूज़ करेंगे, चाट मसाला जो हम यूज़ करेंगे वो हम सिर्फ यूज़ करेंगे थोड़ा सा खट्टा मसाला, यानी कि टेस्ट को हमारा चाहिए, और ये लास्ट में हमारा ग्रीन कोरिएंडर हो गया, तो हम इसको ऐसे इस तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये इस तरीके से आप मसाला बना सकते हो जो कि मैंने बनाया, कोरिएंडर जो आपका है यानी कि जो स्मोक और टेस्ट बढ़ाने का काम करेगा वो ग्रीन कोरिएंडर करेगा, देन स्पाइस हमने और करने तो थोड़ा ग्रीन चिल्ली और ऐड कर देंगे, हम चिल्ली पाउडर यूज नहीं करके ग्रीन चिल्ली से स्पाइस बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, वो हमारे लिए भी है और हेल्थ के रिगार्डिंग भी ज़्यादा अच्छा है, तो हम ग्रीन चिल्ली ज़्यादा ऐड करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके से आप मसाला बनाओगे, तो मैंने आपको बता दिया, एक तो ये जो मैंने बताया आपको इस तरीके से भी मसाला बना सकते हो, दूसरा देन जो हमने इसको रोस्ट किया है यानी कि जो पैन में सोता किया है, अब उस तरीके से नहीं करके आप सेम चीज़ें आप इससे हाथ को यानी कि हाथ से प्रॉपर मैश करके भी बना सकते हैं, तो एक ये भी तरीका हो गया। दूसरा हम जो पापड़ है उसको यानी कि कॉर्न बना के, और जैसे हम मसाला पापड़ देते हैं वैसे भी स्टफ पनीर पापड़ करके भी दे सकते हैं, तो ऐसे भी एक पापड़ का हो जाएगा। तो आज हम जो बना रहे हैं वो आपको बताया पनीर पापड़ रोल बना रहे हैं, तो ये हमारा मसाला हो गया भैया, देन ये हमारे पास पापड़ को यानी कि सॉफ्ट करने के, सॉफ्ट मीन्स कि हम थोड़ा सा इसमें डीप करेंगे, वाटर में डीप करेंगे, डीप करने के बाद देन हम स्टफ करेंगे, तो आपको दोनों चीज़ें करनी है, ज़्यादा देर आपको डीप नहीं करना है, यानी कि जस्ट आपको डीप करना है और बोथ साइड करना है, बोथ मीन्स कि दोनों साइड करना है,
और आप इसको अगर थोड़ा हल्का गुनगुना पानी में करते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है, ताकि ये आपका ये है जो पापड़ टूटेगा नहीं और एकदम प्रॉपर तरीके से आप पापड़ रोल बना के खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया। देन उसके बाद आप ये इस तरीके से रेंच पे या फिर घर में जो किचन हमारा जो रसोई रहता है उस पर आप इस तरीके से रखोगे। देन आप इस तरीके से आपको मसाला स्टफ करना है, ये हो गया। देन आपको ये ऑन टॉपिंग आपका ये ग्रीन कोरिएंडर डाल देना है इस तरीके से। देन आपको इस साइड से ये फोल्ड कर देना है, वन साइड से ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के साथ साथ देन आपको ये यहाँ से पकड़ देना है ये ऐसे, और देन उसके बाद आपको ये हल्के हाथ से यानी कि राउंड घुमा देना है। तो ये इस तरीके से आप पापड़ रोल बना सकते हो। सेम दूसरा भी आपको ऐसे ही बनाना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये दूसरा जो बनाओगे दूसरा भी आपको सेम प्रोसेस में बनाना है, यानी कि आप थोड़ा फास्ट करोगे। जैसे आपने गर्म पानी से ये निकाला और ये आपका ये जो मसाला है इस तरीके से आपने ऐसे किया, देन ऑन टॉपिंग आप ग्रीन कोरिएंडर डालोगे। उसके बाद देन आप फिर से ऐसे ही करोगे, इस तरीके से फोल्ड करना है आपको ये ऐसे ऐसे फोल्ड करना है फोल्ड। उसके बाद देन आपको ये ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ने के बाद देन आपको ये ऐसे हल्के हाथ से ऐसे राउंड करना है, राउंड मीन्स कि ऐसे फोल्ड करना है। तो ये इस तरीके से आप पापड़ रोल बना के खा सकते हैं। उसके बाद देन हमने इसको फ्राई करना है, तो हम फ्राई कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूँगा। ऑयल बिठा रखा है यानी कि इस तरीके से आप भी ऑयल बना के यानी कि हॉट हो जाएगा, तो इस तरीके से आप ऑयल में इनको डीप फ्राई कर लेंगे। ऐसे इस तरीके से आप फ्राई करोगे इसको। तो ये आपके रेडी हो गए फ्राई करके, यानी कि आपके जो पापड़ रोल जिसको बनेंगे, तो ये फ्राई हो गए इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आप फ्राई करोगे, यानी कि जो हमने भी एकदम गोल्डन ब्राउन कलर दिया है गोल्डन कलर में इस तरीके से आप फ्राई करोगे। देन कट करके हम इसको कैसे सर्व कर सकते हैं, फिर दो से तीन पीस में, चार पीस में, फोर पीस में आप कट करके इसको फ्राई करोगे। तो देन मैं आपको कट करके देन एक फैंसी प्लेट हमने लगा रखी है उसमें सर्व करके आपको शो करेंगे। इस तरीके से हम इसको 1/3 कर देंगे, 1/3 मीन्स कि हम 3 पीसेस में कट कर देंगे। देन इसके बाद हम इस तरीके से सर्व करेंगे इसको। ये हमारा हो गया। ये इस तरीके से आज का जो हल्का फुल्का स्टार्टर है इस तरीके से बना के खा सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। इंजॉय के साथ साथ देन आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि हमें थोड़ा सा और अटके खाना है, या फिर अदरवाइज में आपको कोई हल्का फुल्का वीडियो लेना है या बनवाना है, या फिर आपको नया वीडियो सीखना है, तो आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। कमेंट्स के साथ साथ देन मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन पे जरूर करें और इंजॉय करें। थैंक यू सो मच।